दिन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि प्रीवियस चैप्टर था जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखा था कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं, अब हम प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन शो करेंगे, और फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही जो होता है वो आपका फ्लावर बनता है। जो प्लांट में फ्लावर बन रहा है उसमें गैमिट्स होंगे, और उस गैमिट से क्या होगा, फ्यूजन। तो मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को इसमें स्टडी करेंगे। थोड़ा सा चेंजमेंट है, पूरा चैप्टर कंप्लीट ना करके कुछ चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे, उस पोर्शन का क्वेश्चंस भी साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट। मैंने कहा कि फ्लावर के ऊपर ही गैमिट्स होते हैं, उन गैमिट्स के फ्यूज़न के बाद ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू फ्लावर का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, जिससे न्यू फ्लावर जनरेट होता है, न्यू प्लांट जनरेट होता है कह सकते हैं। तो फ्लावर ही एक ऐसा है, फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रीज़न है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, देख कोई भी फ्लावर हो उस फ्लावर के पर्टिकुलर, ये हर एक फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स को सेपल, कैलेक्स का जो होल होता है उसको कहते हैं सेपल्स, कोरोला को पेटल्स, एंड्रोसियम का स्टेमेन, और गाइनोसियम का यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्पल। तो चार होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स का सेपल, कोरोला का पेटल, एंड्रोसियम का स्टेमेन, और गाइनोसियम का कार्पल। एंड्रोसियम जो यहाँ पे है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जबकि गाइनोसियम को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट होता है उस मेल रिप्रोडक्टिव के उस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्टेमेन। अभी मैंने बताया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के उसी पार्ट को जो कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट्स वहाँ पर कैरी करता है उसको हम कहते हैं स्टेमेन। क्या कहा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव को स्ट्रक्चर होगा उसको कहते हैं पूरे को हम एंड्रोसियम, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेमेन। क्या कहा, स्टेमेन। कोई भी स्टेमेन हुआ वो यहाँ पे, जैसे कि जैसे आपके प्लांट का कोई भी एक स्टेमेन का पार्ट हो, तो उस स्टेमेन में यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, आपका जो स्टेमेन है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फ्लामेंट। एंथर और फ्लामेंट, जैसे कि देखिए ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जो नीचे का ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा एंथर, ये जो ऊपर का पार्ट है, सॉरी नीचे के पार्ट को कहा फ्लामेंट, जबकि ऊपर का जो पार्ट है उसको कहा जाता है एंथर। तो ये नीचे का सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इतना स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्लामेंट, ऊपर का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा, एंथर। तो स्टेमिन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमिन का पता चलेगा कि स्टेमिन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, माइक्रोस्पोरिया कैरी करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जैसे कि ह्यूमंस में गैमिट्स जो होते हैं स्पर्म कैरी करता है, इसी तरह प्लांट्स में माइक्रोस्पोर कैरी करता है, जो कि माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारा एक्सटर्नल जेनिटल रीजन में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो हमारा गैमिट होता है मतलब स्पर्म वो कैरी करता है। सिमिलरली प्लांट में जो एंथर होते हैं और फ्लामेंट होते हैं दोनों मिलके स्टेमेन बनाते हैं, जो कि स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर आपका माइक्रोस्पोर होते हैं, और जो माइक्रोस्पोर आगे चल के आपके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब कोई भी एंथर हो, एंथर के दो हमने कहा एंथर है, तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अभी दिखाया एंथर के पास दो लोब होते हैं, दो लोब, तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, फ्लामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो फ्लामेंट होता है वो नीचे थैलमस से अटैच होता है, फ्लावर का जो थैलमस होता है उससे अटैच होता है, तो फ्लामेंट के दो पार्ट होते हैं, ये एंथर रहा, ये फ्लामेंट रहा, ये फ्लामेंट नीचे फ्लावर के थैलमस से अटैच रहेगा। तो ये जिस पॉइंट से अटैच हो रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका प्रॉक्सिमल एंड, जबकि ऊपर वाले एंड को कहते हैं डिस्टल एंड। तो फ्लामेंट अपने प्रॉक्सिमल एंड से थैलमस से अटैच रहता है, जबकि अपने डिस्टल एंड से एंथर से अटैच रहता है।
कौन सा, प्रॉक्सिमल एंड से, थैलमस से, डिस्टल एंड से, एंथर से अटैच रहता है। तो फ्लामेंट के दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल रीजन, दूसरा डिस्टल रीजन। प्रॉक्सिमल रीजन से थैलमस से अटैचमेंट दिख रहा है, जबकि डिस्टल रीजन से एंथर पे अटैचमेंट दिख रहा है। एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर का बाइलोब स्ट्रक्चर बताया, दो लोब होते हैं, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट हो, थीका मतलब कॉर्नर, थीका मतलब कॉर्नर, कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, और इट इज़ नोन एज, सो एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस, मीन्स बाइलोब डाइथीकस का मतलब एंथर बाइलोब्ड है, और हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट हैं, दो कॉर्नर प्रेजेंट हैं, डेट्स वाई एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस, बाइलोब्ड डाइथीकस, जिसका मतलब कि एंथर के अंदर दो लोब हैं और हर एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड डाइथीकस कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखें, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, बाइलोब्ड है, हर लोब में दो थीका प्रेजेंट हैं, इसलिए टोटल फोर थीका प्रेजेंट होते हैं, और ये हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस कंडीशन एंथर की पाई जाती है, जिसका मतलब है, अभी मैंने बताया कि हर एक लोब में दो कॉर्नर पाए जाते हैं, थीका मतलब कॉर्नर, ओके। अब इसी कॉर्नर में जो कॉर्नर होते हैं, थीका होते हैं, उन्हीं थीका के अंदर पाई जाती माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर में इन्हीं थीका के अंदर पाई जाती माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होती है और आगे चल के वो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो एंथर कंटेन टोटल फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब, एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, जो कि चार की चार एंथर के उसी लोब पर पाई जाती है, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया चार लोब पे पाई जाती हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप्ड होके एक पोलन सैक का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया में टोटल चार लेयर होती हैं, चार लेयर सिक्वेंस देखिएगा, सबसे अंदर की एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, उसके बाद देन मिडिल लेयर और टेप्टम। बाहर से देखें, अगर सबसे अंदर देखें, अब अंदर कौन होगा, तो सबसे अंदर टेप्टम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोथीसियम, देन एपिडर्मिस। तो कुछ इस प्रकार से लेयर होती हैं, जैसे ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी चार लेयर, तो ये सबसे अंदर की लेयर टेप्टम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोथीसियम, देन एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये जो आउटर थ्री लेयर होती हैं, जिसका नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर जो होती हैं, ये डाइसेंस ऑफ द एंथर, जैसे एंथर है उसके अंदर, अब ये एंथर तो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो इसके रिलीजमेंट के लिए, मतलब डाइसेंस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एंथर और ओपनिंग ऑफ एंथर, एंथर का ओपन होना जिससे पोलन ग्रेन बाहर जा सकें, उसमें ये तीनों हेल्प करती हैं। उसके बाद एक और काम है, प्रोटेक्शन का काम, मतलब जो अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी ये तीनों लेयर करती हैं। मिडिल लेयर के बाद जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है टेप्टम, टेप्टम का काम होता है कि जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन अभी डेवलप्ड हो रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स की जो भी जरूरत पड़ेगी, वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे टेप्टम उसकी फुलफिल करेगी। तो टेप्टम फुलफिल द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जबकि अदर तीन लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इतना देख लिया, जैसे कि अभी फिर से एक बार देख लीजिए कि एंथर में टोटल चार लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। टेप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जबकि आउटर थ्री मोस्ट लेयर होती हैं, वो वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती हैं। क्वेश्चंस देखें तो यहाँ से देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहली बात तो अंडरलाइन करें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा है, चार दिए गए, स्टेमन, कार्पेल, पिस्टल, सेपल। तो पिस्टल तो आपको पता है गाइनोसियम में आ गया, कैलेक्स करोला, सेपल पेटल इसमें आ गए। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन इज़ द रीज़न, जो एंड्रोसियम का पार्ट होता है उसी को स्टेमिन कहते हैं, और स्टेमिन ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे अभी देखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट, फ्लामेंट अटैच टू द थैलमस बाय विच एंड, फ्लामेंट थैलमस से अपने किस एंड से अटैच होता है, फ्लामेंट का थैलमस के साथ अटैचमेंट देखा, फ्लामेंट अटैच टू द थैलमस, अब किस एंड से होता है थैलमस के साथ, तो थैलमस के साथ प्रॉक्सिमल एंड से, जबकि एंथर के साथ डिस्टल एंड से। तो जो आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है फ्लामेंट का, वो थैलमस के साथ अटैचमेंट होता है, तो प्रॉक्सिमल एंड यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, डाइसेंस ऑफ एंथर और द रिलीजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और ब्रेकिंग ऑफ द एंथर, इसमें तीन लेयर काम करती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, जबकि टेप्टम नरिशमेंट के लिए। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ऑल ऑफ दीज।
इतना तो देख लिया ये दोनों पॉइंट कि आउटर थ्री लेयर हैव द प्रोटेक्शन फंक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर, टेपटर्म इज इनर मोस्ट लेयर एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू द म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन मदर सेल पोलन सैक पाए जाते हैं, जिस पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल पाए जाते हैं। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस, म्योसिस मीन रिडक्शनल डिवीजन, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नॉर्मली भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर म्योसिस होगी जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, या माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि पोलन सैक में कन्वर्ट होंगी, पोलन सैक जो होंगे पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होंगे, और पोलन मदर सेल से ही आगे चल के आपका पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, वो भी प्रोसेस किससे, मियोसिस, और जिसको प्रोसेस का पूरा नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, तो प्रोसेस का नाम हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे मियोसिस हो रही है, मियोसिस होने का मतलब है कि अब इसमें रिडक्शनल डिवीजन कभी नहीं होगा, बिकॉज मियोसिस लाइफ में एक बार होती है, और इसके लाइफ में यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे या माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे मियोसिस हो चुकी है, इसलिए जो इसका ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि हैप्लॉयड गैमिट इसका, हैप्लॉयड गैमिट किसी का, दोनों हैप्लॉयड मिलकर एक डिप्लॉयड बनाएंगे और दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोर फॉर्म द क्लस्टर ऑफ फोर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। सून माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इन टू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उससे चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है तो उससे कितने बने, चार। अगर मैं पूछूँ चार हो रहे हैं तो चार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने हैं तो 16 माइक्रोस्पोर, अगर आपसे पूछे दो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही हैं तो टोटल 8 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो मतलब एक माइक्रोस्पोर बनेगा, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। वन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये चारों के चारों जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं, चार बने, पांच बन रहे, छह बने, जितने भी बने यहाँ पे चार बन रहे हैं, चारों के चारों जितने भी होते हैं माइक्रोस्पोर वो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, इनमें से कोई भी डिजनरेट नहीं होता है, चारों के चारों यहाँ पे फंक्शनल होते हैं, कुछ इसमें से कोई भी आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। तो चारों यहाँ पे फंक्शनल होते हैं, चारों फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से यहाँ पे होता है, यही चारों माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन बनता है उस पोलन ग्रेन की जो साइज होती है वो 25 to 50 micrometer होती है, 25 to 50 micrometer इन डायमीटर। साइज ऑफ पोलन ग्रेन 25 to 50 micrometer इन डायमीटर, ये रेडियस नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में होता है पोलन ग्रेन, इसलिए जो पोलन ग्रेन की साइज है, जो साइज ऑफ पोलन ग्रेन है 25 to 50 micrometer डायमीटर में होती है। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम एक नॉर्मली पोलन ग्रेन का है जिसमें जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर जो को कहते हैं एग्जाइन, और ये जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है इस इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंटाइन। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज द एग्जाइन, इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंटाइन, ठीक है। जहाँ पे जिसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा होता है जर्नेटिव न्यूक्लियस। एक रीज़न यहाँ पे होता है जहाँ पे कोई भी इसमें लेयर नहीं पाई जाती, उस रीज़न को कहते हैं जर्म पोर। तो आउटर मोस्ट लेयर ओ ई, आउटर मोस्ट लेयर एग्जाइन, इनर मोस्ट लेयर एंटाइन आई, इनर मोस्ट लेयर एंटाइन आई फॉर इनर मोस्ट, आई फॉर एंटाइन। जहाँ पे कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है उस लेयर को हम, उस स्पेस को हम कहते हैं जर्म पोर। एक पोलन ग्रेन के अंदर मिनिमम दो न्यूक्लियस होते हैं, एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जर्नेटिव न्यूक्लियस। देखिए, इट हैज़ टू लेयर, आउटर लेयर इज नोन एज एग्जाइन एंड इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंटाइन। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलन, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है, स्पोरो पोलन की। स्पोरो पोलन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट वाला मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब इसको कोई भी एल्कली हो, कोई भी एसिड हो, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिस हो, इसको कोई भी डिजनरेट नहीं कर सकता। इसलिए काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पोलन ग्रेन काफ़ी टाइम तक, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब देखा गया तो काफ़ी सारे जो थाउजेंड्स ऑफ द ईयर पहले के प्लांट्स थे उनके पोलन ग्रेन अभी तक सही सलामत जमीन में, अर्थ में पाए गए। कैसे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो नहीं पाई, नीचे गिर गए। हुआ क्या कि उसकी स्पोरो पोलन जो आउटर मोस्ट लेयर थी, स्पोरो पोलन लेयर इतनी रेजिस्टेंट होती है कि कोई भी एसिड हो, कोई भी एल्कली हो, कोई भी क्लाइमेट हो, कोई भी टेम्परेचर हो, उसको डिजनरेट नहीं कर पाया। डिजनरेट नहीं कर पाया तो अंदर का चीज़
बिल्कुल वैसा ही रहा, ठीक है। तो वही है, एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आल्सो एल्कली। कोई भी बेस हो, कोई भी एसिड हो, कितना भी टेम्परेचर हो, सबके सामने ये रेजिस्टेंट रहती है। एग्जाइन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्पोरोपोलिन ना पाई जाए उसी को कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई भी पोलन ग्रेन है, अंदर एक लिविंग है जो आगे चल के एक लिविंग को जनरेट देने वाला है, तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसको भी एयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको भी गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो जर्म पोर का वही फॉर्मेशन होता है कि जब तक पोलन ग्रेन को फ्यूजन नहीं हो जाता तब तक पोलन ग्रेन को जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी एयर की, जितनी भी गैसेस एक्सचेंज की, वो जर्म पोर से होगी। सेकेंड थिंग, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी जर्म पोर के द्वारा ही होता है। जर्म पोर से ही पोलन ग्रेन के जब फ्यूजन के टाइम पे पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्म पोर से ही होता है। तो एग्जाइन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्पोरोपोलिनिन की लेयर नहीं पाई जाए उसको कहते हैं हम लोग जर्म पोर। ओके, इनर बाल लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जैसे कि एल्गी में बनी हुई होती है, एल्गी की जो लेयर होती है साइटोप्लाज्म के बाद की जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी पैक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोपैक्टिन, इसकी बनी होती है। लेकिन अगर इनर मोस्ट लेयर करें तो इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंटाइन, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो पोलन ग्रेन की जो दूसरी लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, वो इनर मोस्ट लेयर सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। ओके, उसके अंदर अभी मैंने बताया कि दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेबल, पहले ही देखो वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेबल। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि फूड है, मतलब वेजिटेबल मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसलिए लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। सेकंड इज जेनरेटिव न्यूक्लियस, जो कि जर्म करेगा, जो आगे चल के ग्रो करेगा, उसी को कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। और जेनरेटिव न्यूक्लियस स्मॉलर इन साइज होता है, जो आगे चल के जर्मिनेट करेगा। सो अगेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड बाई मियोसिस। पहले बात माइक्रोस्पोर और मियोसिस में ये लिखा कि एक मियोसिस हो रही है कि दो मियोसिस, मतलब एक ही मियोसिस हो रही, तो एक मियोसिस से टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो एक मियोसिस से टोटल चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज, इसमें देखिए हर जगह आपको 25 to 50 माइक्रोमीटर, 20 to 50 माइक्रोमीटर दिखेगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए पहला 20 to 25 मीटर मीटर दिया गया, और पहली बात तो 20 to 25 होता ही नहीं है। सेकंड, 20 to 50 मीटर ये लग सकता था, लेकिन यूनिट भी देखनी पड़ेगी कि मीटर है कि माइक्रोमीटर। 20 to 50 मीटर गलत हो गया, सी है 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर पोलन ग्रेन की ही साइज होती है, और यूनिट भी सही है, साइज भी सही है, ऑप्शन भी सही है। एट एग्जाइन वेयर नो स्पोरोपोलिनिन इज फाउंड इज नोन एज अ जर्म पोर। एग्जाइन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्पोरोपोलिन ना पाई जाए उस हिस्से को कहते हैं जर्म पोर। एग्जाइन वेयर नो स्पोरोपोलिनिन इज फाउंड इट इज नोन एज जर्म पोर। ना ही माइक्रोपाइलरिन, ना ही चलाइजलिन, ना ही एंटाइन। माइक्रोपाइलर और चलाइजल तो इसके पार्ट ही नहीं होते, एंटाइन जो होता है ठीक है इनरमोस्ट लेयर होती है, लेकिन जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो, मतलब एग्जाइन जहाँ पे एब्सेंट हो, उसको कहते हैं जर्म पोर। कई सारे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि आपको जो लोगों को एलर्जी इन्फेक्शन है, जिसको किसी मिट्टी से डस्ट से एलर्जी होती है, ऐसी एक पोलन एलर्जी होती है जो कि अस्थमा कॉज करती है, ब्रोंकाइटिस जो डिसीज़ होती है वो इनसे कॉज होती है। तो ऐसे ही एक है जिसको हम कहते हैं पार्थीनियम और जिसको कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास। पार्थीनियम और कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास, ये भी एक पोलन एलर्जी कॉज करती है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी डिसीज कॉज करती है, और जिसको हम कह सकते हैं पोलन एलर्जी कॉज करती है। ये इंडिया में नहीं पाया जाता था, लेकिन वीट का इंपोर्ट जब कंट्री करती थी, तो वीट का इंपोर्ट जैसे अदर कंट्रीज से किया वीट का इंपोर्ट, तो उस वीट के इंपोर्ट के टाइम पर ये पोलन ग्रेन है किसी से भी स्टिक होकर यहाँ पर आ गए, तो ये पोलन ग्रेन हमारे कंट्री में आए, जिससे यहाँ पर अब ये पोलन एलर्जी इन्होंने कॉज की। नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ग्रेन को देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे टेप्टम से नरिशमेंट मिला, फिर अंदर एक जनरेटिव सेल की थी और दूसरी थी वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल से भी वहाँ पे हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है जब तक उसका फ्यूजन नहीं हो जा रहा, तो दो दो जगह से न्यूट्रिएंट्स मिला। तो पोलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसी रूप में जो पोलन की जो टैबलेट्स होती हैं, पोलन टैबलेट्स जो सप्लीमेंट के रूप में कुछ
स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या कुछ रेस हॉर्स हो गए जो यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोपिंग केस, एक टाइप का डोपिंग केस जिससे इससे होता क्या है कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कोई रेस हॉर्स है उसको खिला दी पोलन टैबलेट तो उसकी हॉर्स की दौड़ने की ताकत बढ़ी तो वो रेस में जीत सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, जिसकी स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो अच्छे से गेम खेल पाएगा, उसे फोकस जा पाएगा, अच्छे स्कोर कर पाएगा, अच्छे से दौड़ पाएगा, रनिंग में, क्रिकेट है, फुटबॉल है, किस में भी हो। तो ये क्या करते हैं, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत न्यूट्रिएंट्स है और बॉडी को उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है ताकि बॉडी अपना फुल पोटेंशियल वहाँ पे दे पाए। तो कई कंट्रीज में पोलन टैबलेट्स भी यूज़ होती हैं। अभी बताया कि जो पोलन यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं स्पोरो पोलन, जिसको कोई भी डिजनरेट नहीं कर सकता। स्पोरो पोलन एक ऐसी लेयर है जिसको कोई डिजनरेट नहीं कर सकता, मतलब अगर आज से 50,000 साल पहले जो पोलन ग्रेन वहाँ पाया गया था वो पोलन ग्रेन अगर आज पाया जाए तो वापस वो जनरेट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के टाइम पर जब वो खोज करते हैं तो उनको काफ़ी ऐसे मिलते हैं, लेकिन केवल उनकी स्टडी करके हम उनको रख पाते हैं। हम उनसे कुछ नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट जो वो बनने वाला था वो नहीं बना पाते हैं। क्यों? तो मेन रीज़न इसका ये है कि जब पोलन जैसे ही एंथर से रिलीज होता है तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक ही वो फर्टिलाइजेशन शो कर पाएगा, इस टाइम पीरियड के बाद वो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। मतलब जैसे ही एंथर से रिलीज हुआ, मतलब उसका एक वाइबिलिटी पीरियड, मतलब जिंदा रहने का या उसका फंक्शनल रहने का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ दाल्स में देखें, राइस में हो गया, राइस हो गई, जैसे कि हमारी सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, ऐसे मेंबर्स हो गए, जैसे वीट हो गया, तो इसमें जैसे वीट हो गई, राइस हो गई, दाल्स हो गई, चावल हो गए, तो इनमें केवल 30 मिनट तक का पीरियड होता है कि 30 मिनट जैसे ही हो गए, अभी रिलीज़ किया, जैसे कि टाइम मान लीजिएगा भाई 344 पे, तो 344 के बाद जैसे ही 30 मिनट हो जाएंगे उसके बाद ही वहाँ पे अब जनरेटिव नहीं रहेगा, उससे पहले इसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ मेंबर हैं जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इन फैमिली के मेंबर हैं तो जो महीने महीने भर तक वहाँ पे वाइबिलिटी शो करते हैं, तो अदर का अदर वाइबिलिटी पीरियड होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जैसे आपके पास पोलन ग्रेन आया आप उसको स्टोर कर सकते हैं और उसकी वाइबिलिटी पीरियड बनी रह सकती है। इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हमको लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस वाला मीडियम प्रोवाइड करो, उसके अंदर पोलन ग्रेन को रख दो, अब उस सालों तक रखे रहो, उसकी वाइबिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने उससे बाहर निकालोगे फिर से जितने उसकी वाइबिलिटी पीरियड था वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था। अब इसके क्वेश्चन देखो, पहला है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू स्टोर द पोलन ग्रेन। लिक्विड नाइट्रोजन का कितना टेम्परेचर चाहिए कि हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर पाएँ? लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। पार्थिनियम इज आल्सो नोन एज पार्थिनियम, जो कि पोलन एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, जो कि वीट के इम्पोर्ट के टाइम पर अपनी कंट्री में आया, वो क्या कहते हैं उसको, कॉमनली आल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा। नेक्स्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टडी करेंगे। इस वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें डेली 5 बजे रिवीजन बायोलॉजी के लिए। थैंक यू।